सो मच। इतनी सुपर डुपर हिट मूवी, ये साल की सबसे बड़ी मूवी बनी है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मौके जी? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ ऑडियंस का जिन्होंने इतना प्यार बरसाया, एंड दूसरी बात मैं जो फिल्म के निर्देशक हैं जो मेरे पिताश्री भी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका इतना विजन था कि इतने साल बाद भी इस इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल इतना धमाका कर सकता है। तो उनका जो राइटर है शक्तिमान जी वो, और जो साथ में सनी सर हैं और बाकी जो कास्ट है, टेक्नीशियंस है, क्रू है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम दोनों। एंड जी स्टूडियोज़, ASP प्रोडक्शन, सब ने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से ये फिल्म बनाई है कि उस फिल्म को इसलिए इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, बिकॉज हमने उतने ही प्यार से वो मूवी बनाई है और बहुत मजा आया। आप अगर कुछ बताना चाहोगे हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस, एंड आप लोगों की जोड़ी को काफी प्यार मिल रहा है, मैंने देखी काफी अच्छा देखी है ना? यस, काफी तो कैसे लगे आप पहले बताओ, आपको मुस्कान जीते कैसे लगे? बहुत बहुत अच्छे लगे आप लोग। आप अगर कुछ बताना चाहोगे गाने को लेके, ये जो गाना पीछे बज रहा था वो फिर से रिक्रिएट किया गदर वन से, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था, मैं निकला गड्डी लेके, और जब मैं पिक्चर साइन भी कर रही थी मैंने सर को यही पूछा था, सर इसमें फिर से ये गाना है कि नहीं है मैं निकला गड्डी लेके, तो उन्होंने बोला है, और गाने सारे ही बहुत अमेजिंग है। मैं निकला गड्डी लेके तो यार एवरग्रीन सॉन्ग तब भी था और आज भी है, और उसके अलावा जो हमारे बाकी न्यू सॉन्ग्स हैं दिल झूम झूम, चलते रिश्क में और खैरियत, ये तीनों भी उतने ही प्यारे सॉन्ग्स हैं। और अगर एक्सपीरियंस अगर आप मेरा पूछोगे गदर के शूटिंग का, तो पहला दिन तो मैं भूल गई थी कि मैं खुद एक एक्टर उस मूवी के, और मेरे को ऐसा लग रहा था अरे वाह मैं गदर के सेट पे हूँ, मैं जाके डायरेक्शन देख रही थी, डायरेक्टर के पास जाके बैठ के सीन्स देख रही हूँ, तो वो बोल रहे अरे जाओ रेडी हो तुम्हें भी सीन करना है, तो एक दो दिन तो वैसी मेरी हालत थी। तो बहुत मज़ा आया है, बहुत गर्मी में हमने शूट किया है, बट जो भी किया जितनी भी तकलीफें आई आज लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। खैरियत को लेके कुछ यादें, क्योंकि लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। खैरियत की एक ही याद है, जब गाना रिलीज हो गया था मैं अपने घर पे सुन रही थी, मेरे पापा की आंखों में आंसू मतलब ऐसे बाहर आ रहे थे, और मैं कभी अपने पापा को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है, क्योंकि पापा लोग जल्दी रोते नहीं, और तो उनको जब देखा तो वो एकदम रोते हुए मुझे कहा कि यार ये गाना बहुत ऐसा मायूस कर देता है, वैसा कर देता है, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई मेमोरी नहीं हो सकती उस गाने के लिए। उत्कर्ष, आप अगर कुछ बताना चाहोगे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है, आप ये जो 22 साल की जो जर्नी थी, इतने सालों के बाद आना, आपको हमने एज अ स्मॉल बॉय देखा है, नाउ यू हैव ग्रोन अप, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड एज योर करियर लाइफ? जी बस अच्छी फिल्में बनानी है, अच्छी कहानियाँ कहनी है। देखिए मेरा यही सीख रही है जो भी मैंने इंडस्ट्री एज अ किड से लेके अभी तक जो भी देखी है, कि फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ मिल जाता है, पैसे मिल जाती है, नाम शोहरत सब मिल जाता है, बट अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती। और जब आप अच्छी कहानियाँ आपको जब मिलती हैं, जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि गदर वन का भी मैं हिस्सा था, गदर टू का भी हूँ, ये दोनों कहानियों ने भारत को एक तरीके से जोड़ दिया, और फिल्म हम बनाते हैं एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस के लिए, कि आप जब थिएटर जाते हैं आप स्ट्रेंजर से जुड़ जाते हैं, और वो एक बहुत यूनिक फीलिंग होती है उस, और वो एक आप मेमोरी हमेशा के लिए रखते हो अपने, कि मैंने जब गदर, आज भी लोग जो गदर टू देखने जा रहे हैं कहते हैं मैंने जब गदर वन देखी थी तो ऐसा धमाल हुआ था, ऐसा आज जो गदर टू देख रहे हैं वो 20 साल बाद यही कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो मुझे मेरी जर्नी बस यही है कि मुझे अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना है। गदर थ्री को भी लेके, क्योंकि आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, सनी सर ने बोला गदर थ्री भी आएगी वो तो लास्ट मूवी में दिखा दे रहा, टू बी कंटिन्यू हाँ, उसको लेके अगर कुछ आप बताना चाहो। पहले गदर टू की जय गाथा को एंजॉय कर लो, फिर गदर थ्री पे भी आएंगे। प्लानिंग अगर कुछ हुई रहेगी इसलिए तो टू भी कंटिन्यू। शक्तिमान जी जिस दिन कहानी लेके आएंगे उस दिन का प्लानिंग हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों का जो डायलॉग है ये बहुत, हाँ वो शायरी वाला, इंट्रोड्यूसिंग अगर हो जाए तो ठीक है, कर लेते हैं। तो मैडम, आपका जो हुस्न है, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, ये है बेहद हसीन, इनको बता दीजिए नाम क्या है आपका। अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं। अच्छा, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। ओहो वाह 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 वाह।